अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं और इस खुशी की वजह सिर्फ और सिर्फ आप सब हैं। आप सब सोच रहे होंगे, आप सब सोच रहे होंगे कि यार भाई इस तरह से क्यों कह रहे हैं। आज यार ये वजह है कि आज हमारे 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि 500,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैनल पर। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ही वजह से हुआ है, आपके प्यार की वजह से हुआ है। आपने सपोर्ट किया इतना, मुझे इतना लाइक किया, मैंने जानता दोस्तों कि आपने क्या देखा मुझ में, जो इतना जल्दी यार हमारा चैनल ग्रो हुआ, इतना जल्दी मेरी इतना कम्युनिटी बढ़ी, मैं नहीं जानता यार। लेकिन आप सबके प्यार की वजह से यार सारा कुछ हुआ। और आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें लाइक किया, हमारे चैनल को पसंद किया और मुझे पसंद किया, तो बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल यार हमारे रैबिट्स आज थोड़े गर्मी की वजह से डिस्टर्ब रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से मसला होता है। हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, साफ ज़ाहिर है हमारे परिंदे भी डिस्टर्ब होते होंगे। तो आप छोड़ दो चाचू। तो अभी हम दोस्तों अपने रैबिट्स के लिए घास लेने जा रहे हैं, और घास हम इसलिए लेने जा रहे हैं क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो इस वजह से हम अनाज नहीं डालेंगे इनको आज। आज थोड़ा सा हम इनको सब्जा डालेंगे शाम के टाइम, ताकि ये अपने पानी की कमी को पूरा कर सकें। आ जाओ चाचू। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। 5,00,000 इतने ज्यादा? हाँ जी। फिर आपको क्या मिलेगा? हमें प्यार मिलेगा और ज्यादा और ज्यादा। तो यार इस दुकान पे हम गए हैं तो इसमें तो घास बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खाली है। अभी भी देखे नहीं तो ये भरी होती थी दुकान पूरी की पूरी घास से, इस टाइम खाली है। तो भाई एक और दुकान भी अंदर की तरफ, ये है वो दुकान, लेकिन इसमें भी घास नहीं लग रहा भाई। तो यार दुकानें तो बंद थी, लेकिन यहाँ पर एक भाई जा रहे थे घास लेके, तो हमने कहा यार दुकानें वैसे शाम के टाइम में बंद हैं, तो इसका एक फ़ायदा उठाते हैं कि भाई से घास जो है ना या तो ख़रीद लेते हैं या तो फिर देखते हैं भाई देते हैं कि नहीं देते। थोड़ा सा ये ले लो, थोड़ा सा ये ले लो यार, कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, आज का गुजारा हो जाएगा हमारा यार इससे। चलो भाई ने ये हमारी हेल्प कर दी है, भाई का शुक्रिया भाई। काफी नहीं है? काफी है, काफी है। कितने पैसे हैं भाई इसके? चलो शुक्रिया यार। तो यार पूरी दुकानें बंद थी, हम पीछे से देखकर आ रहे थे, अब यहाँ पर लास्ट दुकान थी वो भी बंद थी, हमें यहाँ से नजर आ गई। और यहाँ पर अचानक भाई का घास गिरा हुआ था जमीन पर, तो हमने उसको रोक लिया कि यार हमें थोड़ा सा घास देते जाएं, हमारे रैबिट्स भूखे हैं। तो उन्होंने हमें इतना सा घास दिया, ये काफ़ी है हमारे रैबिट्स के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने रैबिट्स के पास। चलो ये मुझे दे दो। ऐसे वो इनके हाथ में क्या है? वो ये क्या किया तुमने? यार बाहर क्यों लेके आए हो? क्या है यार ये सयान, क्या तुम तो बड़े हो यार, तुम क्यों लेके आए हो? देखो वो उधर भी है यार, यार ये भाग जाएंगे। क्या किया यार तुम लोगों ने? ओहो एक मिनट एक मिनट, वैसे यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये? देखो ये खेल रहे हैं, घास भी खा रहे हैं, सही है सही है, लेकिन यार ये भाग जाएंगे, इनको पकड़ना है यार, गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने। चलो चलो अब पकड़वाओ, अब हमसे पकड़वाओ भाई, ये मुश्किल है इनको पकड़ना भी। हाँ पकड़ो पकड़ो, आता है हाथ में, उए पकड़ लिया पकड़ लिया। सही है सही है सही है। अच्छा ये काम करते हैं ना, मेरे ख्याल में ये भाग नहीं रहे, इधर ही हैं, तो इनको थोड़ी देर इनको घास छास यहीं पे खिलाते। इसको क्या हुआ है? अंदर घुस गया, मजा आ रहा है इसको, देखो ना अंदर घुस गया यार। इनको चोट तो नहीं लगी हुई कोई? कैसे लेकर आए थे? एक एक करके लेकर आए थे, गिराया। जब भी ऐसे काम किया जाता है ना तो पूछा जाता है। देखो यहाँ पे भी हैं दो, ये देखो ये घास खा रहे हैं यहाँ पर सुकून से, और ये भी घास खा रहा है। हम तो यार इतनी मुश्किल से इनके लिए घास लेके आए थे, और ये यहाँ पे खुद पार्टी मना रहे हैं। यार हमें नहीं पता था हमारे पीछे यह कुछ हुआ हुआ है, आखिर हमने इनको घुमा भी लिया, इन्होंने घास पास थोड़ा बहुत खा भी लिया, लेकिन जो हम इनके लिए घास लाए ना वो भी डालेंगे इनको भी,
और इनको पकड़ते हैं, तो आप जल्दी से पकड़ते जाओ एक एक करके। यार ये आराम से हाथों में आ रहे हैं, डर गए ना। सही है शेहान, एक तुम पकड़ लो आराम आराम से। पकड़ पाते हैं हम या नहीं पकड़ पाते, शुक्र है डर यही था। सारे मैं उठा लेता हूँ, ये वाले तो बहुत डरा हुआ है। सही है, वापस घर चलो भाई, इसको लेके इसका घास भी ले लेता हूँ मैं। चलो तो आप चलो। यार शुक्र है टाइम पर आ गए, पत्नी बच्चे ये इनको छोड़ के चले जाते, पीछे बिल्ली ने कुत्ते ने इनको उठा लेना। शुक्र तो बहुत ज्यादा इनके पीछे लगते हैं। अच्छा शुक्र है यार दरवाजा ये बंद था, नहीं तो पीछे कुछ भी हो सकता था। चलो यार हम एक एक करके सबको रखते हैं अंदर वापस। तो ये गया, ये भी हम छोड़ रहे हैं। यार हमारे रैबिट्स वापस अपने घरों में आ गए हैं, बहुत डर गए थे हम, देख कर पता नहीं यार ये बच्चे क्यों लेकर आ गए, और गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, थक गए यार। और ये घास हम इनके घर में डाल देते हैं, और देखिएगा दोस्तों घास की खुशबू जो ही इनके पास पहुंचेगी ये फौरन आ जाएंगे बाहर। अभी देखिएगा, ये देखें ये आ गया। तो चलो सिप्तान बाहर चलते हैं, इनको भूख लगी होगी, शाम का टाइम हो गया। और ये देखो फौरन आ गया एक हमारा बड़ा खरगोश, इसका साइज बड़ा है उनसे काफी, माशाल्लाह। तो ये खाना शुरू कर रहे हैं यार। चलो पकड़ो इनको, पकड़ना है ऐसे लेके जाना है, पकड़ के लेके जाना है वैसे इनको। यार पक्का करते हैं, बहुत ज्यादा तंग करते हैं यार मुझे ये रात के टाइम ना, मैं आता हूँ शाम को बंद करता हूँ ना, ये अभी इनकी आदत नहीं हुई ना बाहर घूमने की। देखो गंदी जगह पे, इसको इधर लेके आओ। चलो चलो चलो, तो यार ये बहुत ज्यादा तंग करते हैं, बड़ी मुश्किल से लेके जाना पड़ता है इनको। देखे अब इधर जाने की बजाय अब इधर चले गए वापस, यही करेगा यही करना पड़ेगा अब हमें। शुक्र है यार, शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, चले गए चले गए चले गए। अभी एक काम करने पे यार पसीना आ गया, गर्मी लगने लग गई है, थक गए यार इस मौसम को देख देख के। आखिर बारिश भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं यार। और हमारे खरगोश सारे आए हुए इधर खाना खाने के लिए, देखें अभी 3 बज गए, 3 वापस चले गए, आते ही डर जाते हैं। बाजी कबूतरी ने भी अंडा दिया हुआ यार, ये यार जब से आई है ना सिर्फ अंडे दे रही है सिप्तान, इनके अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, या अंडे खराब हो जाते हैं या बच्चे अंडों में मर जाते हैं। अभी देख लेता हूँ मैं जरा इसका अंडा ठीक है, कोई क्रैक तो नहीं आया होगा, क्योंकि इनका नेस्ट ठीक नहीं लग रहा मुझे। और इस कबूतरी ने यार ये वाला अंडा है इसका, माशाल्लाह अभी लाल है, अभी मेरे ख्याल में आज का ही है ये, ठीक है ना। इसको हम वापस रख देते हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं इस कबूतरी के अंडे, और देखते हैं यार इसके अंडों में से बच्चे निकले। तो मुझे तो सारे अंडे ठीक लग रहे हैं, देखा इसका कलर देखा है, सही सही ठीक लग रहे हैं। रख दो यार, तो मैं रखता हूँ यार वापस। और ये गए हमारे अंडे वापस, देखो उनके बच्चे को जो डव पाल रही थी कितना बड़ा हुआ है, अभी इंडिपेंडेंट हुआ है कि नहीं हुआ जाके देखो। ये तो फिर से अंडे देने वाली है ना। हाँ तो फिर उसको छोड़ दिया होगा ना। नहीं यार यहाँ तो यार अब मैं देख लेता हूँ उस कबूतर का बच्चा जो हमने डव के नीचे रखा था, और माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया यार ये तो सिप्तान, इसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो गई यार। अब देखे इसकी ग्रोथ इसका ना यार, ये जो सर है ना मुझे काफी डिफरेंट लगता है बाकी कबूतरों से। अबे इसको जख्म लगा था जिसकी वजह से बाल खड़े हो गए इसके, मुझे नहीं लगता कोई स्टाइल है ये। तो इसको हम यार वापस रख रहे हैं, और इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ही तकरीबन 5 से 7 दिनों के बाद उड़ना शुरू कर देगा, फिर हम इसको दूसरे घर में शिफ्ट कर देंगे। ये देखो ये गंजे चिक्स, ठीक है, और ये तकरीबन एक जैसे लग रहे हैं इस उम्र में। देखो उनको अच्छा, भी देखो इनके बाल नहीं है ना गर्दन पर, जब गर्दन पर बाल आएंगे ना फिर ये डिफरेंट लुक देंगे अपनी। अभी तो अभी फिलहाल बाकी में गंजी चिक्स लग रहे हैं। तो यार ये जो पिंजरा देख रहे हैं ना आप, ये अब खाली हो चुका है, और मैं जो चाह रहा हूँ कि हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरी फिंचेस को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यार जब से स्ट्रॉबेरी फिंचेस आई है ना इन्होंने कोई अंडा नहीं दिया, कोई अपना नेस्ट नहीं बनाया, तो मुझे जो शक हो रहा है ना स्ट्रॉबेरी फिंचेस छोटे केज में अंडे देती होंगी, तो अभी तो हम उनको नहीं पकड़ सकते, बहुत तेज है स्ट्रॉबेरी फिंचेस। फिलहाल हम रात होने का वेट कर रहे हैं, रात जो ही होगी हम अपने स्ट्रॉबेरी फिंचेस को पकड़ लेंगे, और फिर हम रैबिट हाउस में कुछ नया करने वाले हैं एक, वो भी हम रात का ही वेट कर रहे हैं इंशाल्लाह, हम वो भी आज ही करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं नीचे और रात के टाइम ऊपर आते हैं। अभी के लिए तो यार ये हैं हमारे लैंप्स, और मैं इन्हीं की बात कर रहा था कि थोड़ी सी रात हो जाए और हम ये लैंप्स रैबिट हाउस पर लगा पाएं। तो अब हम लगाने वाले हैं ये लैंप्स अपने रैबिट हाउस में, ताकि इनको रात के टाइम दिखाई दे, कभी हम ऊपर आए तो ये जला दें और खूबसूरत लगे। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों लैंप्स अपने रैबिट हाउस के बाहर लगा दिए हैं,
और थोड़ी सी रात मजीद हो जाए और फिर हम इनको जलाएंगे। अभी हम फिलहाल अपने कबूतरों को बंद कर रहे हैं। उड़ रहे हैं थोड़ा। ये देखो दो कबूतर हमारे अभी उड़ रहे हैं यार रात। हाँ और किसके हैं? नहीं कर रहे यार। हाँ ना किस टाइम क्यों उड़ रहे हैं पता नहीं यार। हाँ यार ये तो हमारे एक शिराजी है एक बाजी वाला कबूतर है। गलत टाइम उड़ गया यार ये बहुत बुरी आदत है इनकी। कबूतर मैं ऊपर बिठाता हूँ। ये भी उड़ाओ तुम। हाँ नहीं 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 यहाँ पर ये बैठेगा ना ये देखना आएगा। ये देखो ये आ गए देखो 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 सारे आ गए इसको देख के आ गए। नहीं तो ये चले जाते थे तैन कहीं पे। अच्छा तो यार रात होगी तभी आके आया हमने लाइट भी खोली है फिर आया ये नीचे। ओ भाई साहब और ये एक और भी था वो भी ऊपर था वो भी आ गया दोनों आ गए। चलो भाई चलो अब नीचे जाओ आराम से। तो यार कबूतर तो हमने सारे के सारे बंद कर दिए हैं शुक्र है। अब बारी है स्ट्रॉबेरी फिंचेस को इसमें डालने की। आ जाओ तो आप ये सामने मेरे ख्याल में दरख्त पे बैठी है। ये तो है मेरे ख्याल में गोल्डन। हाँ गोल्डन फिंचेस है और स्ट्रॉबेरी फिंच किधर है पता नहीं। डायमंड डव बैठी हुई है। डायमंड डव यहाँ पे है। स्ट्रॉबेरी फिंचेस कहाँ है? यार हमने इतना ढूंढा ना अब जाके मिली है हमें बिल्कुल छोटी सी जगह पे छुप के बैठी हुई है। ये देखें दोनों है दोनों एक साथ बैठे हैं एक पतली सी रॉड पे बैठे हैं नजर भी नहीं आ रहे थे। अब इनको जाओ पकड़ो भाई शाबाश। नहीं कैसे पकड़ूंगा मैं लाइट ऑफ करके पकड़ो। ये पकड़ लिया शुक्र है यार शुक्र है शुक्र है यार। एक और ये बैठी है जो कुछ भी हमने नहीं देखे इनके तो ये गया। चल भाई ठीक है एक मिनट अभी नहीं पकड़ना अब आराम से पकड़ लो जाओ। ये लाइट तो ऑफ 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 पकड़ ली ये तरीका है भाई लाइट ऑफ होगी फिर ये अंधे हो जाते हैं। चलो जैसे इसको कि हम भी छोड़ देते हैं हम छोड़ दो छोड़ ये दो ये गई फिंच ठीक हो गया गुड 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 माशाल्लाह और दोनों आ गए यार ठीक है। वो दूसरी बाहर निकल गई नहीं वो रही वो देखो भाई कहां है यार ये कैसे आई ये मतलब पिंजरा छोटा है प्लान फ्लॉप सारी मेहनत जाए। ये देखो अब दोनों आ गए शायद ये यहां पर रहे फिर नहीं मुझे नहीं लगता कैसे निकल गए कहीं ना कहीं से भाई उनको रास्ता मिला वो इतना जलील हुए और एंड में इधर से भी निकल गई यार इतना छोटी सी पिंच है और ये फौरन निकल गई। खैर अभी इनको सुबह देखेंगे क्या होता है। चलो यार भाई निकलो यहाँ से गर्मी बहुत है भाई। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह रैबिट हाउस की लाइटें लग चुकी हैं लैंप्स लग चुकी हैं और आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको ये कैसी लगी हैं। मुझे तो माशाल्लाह प्यारा लग रहा है बाकी आपको अच्छी लगी हैं तो लाजमी शेयर कर दीजिएगा ये बात। तो मिलेंगे इंशाल्लाह यार कल एक नए टॉपिक के साथ कल एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में दियात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।